नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ गौरा किचन में। आज मैं आपके लिए पालक पनीर लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो पालक लिया है, उसको धो के उबाल के और मिक्सी में पीस लिया है। और ये 250 ग्राम पनीर लेके मैंने इसको पीसेस कर लिए हैं इसके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मसाले कौन कौन से डले। मैंने इसमें 1 से 2 प्याज लिया है, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 टमाटर, इनको भी काट लिया है मैंने। लहसुन, अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च, इन तीनों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये पनीर लिया है मैंने, इसको मैश कर लिया है, जिसको मैं मसाले भूनते समय डालूंगी उसमें टेस्ट लाने के लिए। आइए अब हम बताते हैं इसमें कौन कौन सी स्पाइसेस डलेंगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला और हींग 1 से 2 पिंच, और गार्निशिंग के लिए मलाई। चलिए आइए अब हम बनाते हैं पालक पनीर। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, मस्टर्ड ऑयल। और इसमें मैं हींग डालती हूँ। लहसुन डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें अदरक डाल दी और ये हरी मिर्च। अब मैं इसमें प्याज डाल दी, फिर फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखिए अब ये हमारी प्याज भुन गई है, अच्छे से भुन गई है, हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम तभी डालेंगे जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी, नहीं तो टमाटर अगर पहले डाल देंगे तो प्याज नहीं भुन पाएगी। अब हमें अच्छे से टमाटर डाल के टमाटर को भी भून लेंगे, जिससे ये टमाटर जब तक गल जाएंगे तभी हम मसाले डालेंगे। देखिए अभी हमारे टमाटर भी गल गए हैं, है ना। अब हम इसमें मसाले स्पाइसेस डालना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। सूखा सूखा सा हो रहा है तो इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला लगे नहीं। मैंने पनीर जो था वो मैश करके रखा हुआ था मसाले में डालने के लिए, अब मैं ये पनीर डाल दूंगी इसमें। अच्छे से मैश कर लेंगे हम, इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा भून लेंगे हम इसे मसाले को, जैसे हम मसाले देने में अच्छे से भून जाए। देखिए अब हमारा मसाला भुनने लगा है, भुन गया है ये। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। देखिए अब हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें पालक डाल देंगे। अब पालक डाल दिया, पालक डाल के इसको चला लेंगे हम अच्छे से। अब इसमें हम
निकालने के बाद मिक्स करके अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। इसको हम ढक देंगे। अगर आप ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ना डालें, और अगर पतली थोड़ा ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और 5-7 मिनट के लिए इसे ढक के पका लीजिए। देखिए हमारा पालक पनीर अब तैयार हो गया है। मैंने इसे गार्निश कर दिया है मलाई से। अब आप भी इसको बनाइए, खाइए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।